हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निवेदिता, निवेदिता गैलरी में आप सबको फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए फिर से एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ। तो इस रेसिपी का नाम है मशरूम दो प्याजा। सबसे पहले इसे बनाने के लिए जो जो सामग्री चाहिए देख लेते हैं। काजू पेस्ट, टमाटर प्यूरी, लहसुन अदरक पेस्ट, प्याज की कलियाँ, हल्दी पाउडर, वेजिटेबल ऑयल, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, करी पाउडर, नमक, बारीक कटे हुए प्याज, मशरूम चाहिए। तो दोस्तों, चलो मशरूम दो प्याजा को बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पैन में तेल गरम कर लेते हैं। तेल गरम होने पर प्याज की कलियां को डाल के अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। प्याज को हल्का फ्राई कर लेते हैं। इस तरह प्याज को फ्राई करके रख लेते हैं। पैन में फिर से तेल गरम कर लेते हैं। तेल गरम होने पर उसमें साबुत जीरा डाल लेते हैं। तो अब इसमें बारीक कटे हुए प्याज को डाल के अच्छा तरह से भून लेते हैं। प्याज में हल्का ब्राउन कलर आने तक भून लेते हैं। थोड़ा सा सुंदर और अच्छा कलर आने के लिए हम रेड चिल्ली पाउडर डाल लेते हैं। अब अदरक लहसुन पेस्ट डाल के अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब हल्दी पाउडर डाल लेते हैं, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर को डाल के अच्छे से मिला लेते हैं। मसाला को 2-3 मिनट पकने देते हैं। मसाला जितना अच्छा से पकेगा अकॉर्डिंग टेस्ट बहुत अच्छा रहेगा। अब टमाटर प्यूरी डाल लेते हैं और अच्छा से मिला लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारा मसाला का तेल ऊपर आ चुका है। हमारा मसाला एकदम तैयार है। अब मसाला में मशरूम डाल लेते हैं। मशरूम डाल के मसाला और मशरूम को अच्छा से मिला लेते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल लेते हैं। अच्छा से मिला लेते हैं। मशरूम को पकने देते हैं। 3 टीस्पून काजू पेस्ट डाल लेते हैं और अच्छा से मिला लेते हैं। फ्राई किया हुआ प्याज की कलियां को डाल लेते हैं। अच्छा से मिला लेते हैं। उसके ऊपर करी पाउडर डाल लेते हैं। प्याज और मसाला मशरूम को अच्छा से मिला लेते हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल लेते हैं। हमारा मशरूम दो प्याजा एकदम प्रस्तुत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।